हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे एक नया टेक वीडियो में। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ उज्ज्वला योजना में अगर आपने अप्लाई किए हैं कैसे आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करिएगा, कैसे पता करिएगा कि आपने जो एप्लीकेशन की थी वो अप्रूव हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जरूर एंड तक देखिए। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपने उज्ज्वला योजना स्कीम में गैस के लिए अप्लाई की थी या भारत गैस या एचपी गैस, ये दोनों का डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं और क्या पोजीशन है। अगर आपके नाम पे गैस आ गया है तो कैसे आपको मिलेगा, फुल जानकारी मैं देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। फ्रेंड्स, आपको कोई साइबर कैफे में जाने का जरूरत नहीं है, आप घर बैठे कुछ ही सेकंड के अंदर आप अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मोबाइल से इसको करिएगा तो इजी प्रोसेस में है, वो प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, अपना सिस्टम में आपको दिखाऊंगा। और उसी तरह से अगर आप चेक करते हैं तो आप अपना स्टेटस को देख सकते हैं और उसके बाद ही आपको कॉन्टैक्ट करना होगा आपका डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब एप्लीकेशन करते समय जो डिस्ट्रीब्यूटर आपने सिलेक्ट की थी उसी डिस्ट्रीब्यूटर में जाके आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। और वो जो रेफरेंस नंबर जैसे आप चेक कर रहे हैं, जो स्टेटस वहाँ पर शो करेगा वही स्टेटस आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास अगर दिखाते हैं तो आपका गैस आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं अभी लेके चलूँगा मेरा कंप्यूटर सिस्टम पे और वहाँ पे जाके जो प्रोसेस है वो प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर सिस्टम पे। तो फ्रेंड्स, जैसे देख पा रहे कि मैं अपना कंप्यूटर स्क्रीन पे चले आया हूँ, तो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ उज्ज्वला योजना में अगर आपने अप्लाई किए हैं तो कैसे आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे अपना मोबाइल में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको एग्जैक्ट जो प्रोसेस है वो प्रोसेस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आपने उज्ज्वला योजना स्कीम में अप्लाई तो कर दिया है बट आपके पास ना कोई मैसेज है ना कोई इन्फॉर्मेशन है, आप जिस डिस्ट्रीब्यूटर के अगेंस्ट अपना गैस के लिए अप्लाई किए हैं उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी जाने से कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल रहा है। इस तरह का कमेंट भी मेरे पास आया है, कई लोग कह रहे हैं कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया वहाँ से भी कोई इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिल रहा है, तो उस समय में क्या करें। तो फिर सबसे पहले जो आपको करना है, आपने गैस के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको कर लेना होगा आपका एप्लीकेशन का स्टेटस। बहुत बार ऐसा भी होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास आप गए, डिस्ट्रीब्यूटर कोई आपका बात ही नहीं मान रहा है, तो उस समय में अगर आपका एप्लीकेशन जब आपने किए थे, अगर आपने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करके उस जो चेकिंग में जो सिस्टम दिखाएगा वही सिस्टम अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर को जाके दिखाते हैं तो तभी आपको गैस वो दे सकता है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप चेक करिएगा आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस, सबसे पहले आप अपना मोबाइल से अगर कर रहे हैं तो मोबाइल में गूगल क्रोम एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, वहाँ पर आप लिखिए उज्ज्वला योजना एप्लीकेशन स्टेटस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप लिखते हैं एप्लीकेशन स्टेटस तो देख पा रहे कि यहाँ पे आ गया है एप्लीकेशन स्टेटस। तो एप्लीकेशन स्टेटस में जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारा वेबसाइट यहाँ पे आ जाएगा, बट आपको आप जिसके लिए अप्लाई किए थे, अगर आपने भारत गैस के लिए अप्लाई किए थे तो भारत गैस का ये वाला वेबसाइट है, और अगर आप एचपी के लिए किए थे तो एचपी में आपको जाना पड़ेगा। तो एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा, भारत गैस दिखाऊंगा, एचपी गैस दिखाऊंगा, और इंडियन गैस का सिस्टम थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसलिए इंडियन गैस के मैं आज नहीं दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट दिन मैं इंडियन गैस के लिए स्पेशल एक वीडियो बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले यहाँ पे देखिए myhpgas.in इस वेबसाइट में आपको जाना होगा। यहाँ पे जाने से बाद आपको यहीं से आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जानते होंगे अगर आप उज्ज्वला योजना में अप्लाई किए थे तो उस टाइम में आपको एक रेफरेंस नंबर वहाँ पे दिया गया था, जब आपने एप्लीकेशन को सबमिट कर दिए थे उसके बाद ही वो शायद आपके मोबाइल में SMS भी आया होगा कि आपका रेफरेंस नंबर ये है। तो यहाँ पे देख पा रहे कि दो सिस्टम यहाँ पे शो होगा, एक रेगुलर है एक उज्ज्वला योजना है। तो फ्रेंड्स, ऊपर में आप हेडिंग देख सकते हैं चेक रजिस्ट्रेशन स्टेटस, और ठीक उसी के नीचे देखिए कनेक्शन टाइप, आप कौन सा कनेक्शन के लिए अप्लाई किए थे, रेगुलर जो नॉर्मल अप्लाई करते हैं वो वाला या उज्ज्वला, तो आपने उज्ज्वला सिलेक्ट करना है। उज्ज्वला में सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डालना होगा आपका रेफरेंस नंबर। तो रेफरेंस नंबर जब आपने अप्लाई किए थे, अप्लाई करते समय आपको रेफरेंस नंबर दिया गया था या आपका मोबाइल में SMS भी आ गया था कि ये आपका रेफरेंस नंबर है, तो इस रेफरेंस नंबर को आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद ठीक डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे देना होगा, जैसे ऐसे डेट ऑफ बर्थ आपने वहाँ पे एप्लीकेशन करते समय दिए थे उसी डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पे सही से देना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट है, यहाँ पे जो कैप्चर है वो कैप्चर को आपको सही से यहाँ पे भरना होगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल में ई है, ठीक है, ई है, उसके बाद देखिए कैपिटल में डब्लू है, सिक्स है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्स है, स्मॉल में एक्स है, उसके बाद देखिए टू एंड
हैप्पी स्मॉल में, तो ठीक इसी तरह आपको ये वाला चीज़ फील करना होगा। यहाँ पे जैसा जैसा है वैसे आपको फील करना पड़ेगा। अगर दूसरा चीज़ अगर देते हैं तो ये चीज़ नहीं होगा, स्टेटस चेकअप नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ये था HP का, और अभी देख लेंगे भारत गैस का किस तरह से आप अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं। भारत गैस का थोड़ा सा टिपिकल है, आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, सिस्टम थोड़ा अलग सा है, आप लोगों को वो भी मैं दिखाऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स ठीक उसी पेज में जैसे जहाँ पे मैंने गूगल पे सर्च किए थे उज्ज्वला योजना एप्लीकेशन स्टेटस, उसी पेज के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसे देख पा रहे कि यहाँ पे फर्स्ट में मैंने HP आप लोगों को दिखा दिया हूँ, ठीक उसी के नीचे उज्ज्वला बेनिफिशियरी भारत गैस। तो अगर आप गूगल में सर्च कर सकते हैं भारत गैस उज्ज्वला योजना एप्लीकेशन स्टेटस, अगर इस तरह से भी आप सर्च करते हैं तो आपको वही वाला वेबसाइट यहाँ पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग का वेबसाइट अवेलेबल है तो मैं डायरेक्ट लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट लिंक में जा सकते हैं भारत गैस के लिए और HP गैस के लिए। तो फ्रेंड्स इस वेबसाइट में आने के बाद आपको सिलेक्ट कर लेना होगा आपका स्टेट, आपका इंडिया में आप कहीं से भी हो सकते हैं, आपका जो स्टेट है होम स्टेट है तो आप अपना होम स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल के थ्रू मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मेरा जो स्टेट है वेस्ट बंगाल है, तो मैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो है मैं डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करता हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट है हावड़ा, तो यहाँ पे मैंने हावड़ा को सिलेक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चर जैसे ऐसा है वो कैप्चर आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपको फुल डिटेल्स यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा 329 और कैपिटल में है H, उसके बाद है 4 एंड फिर से कैपिटल में H। जब भी आप ये कैप्चर को यहाँ पे डाल दीजिएगा, डालने के बाद सबमिट में क्लिक करिएगा, आपके सामने बहुत सारा नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। और उसके बाद आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपका नाम कौन सा है इसमें से। तो फ्रेंड्स ऐसे आपको ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा समय लग रहा है, थोड़ा सा वेट करिएगा कि ये वेबसाइट थोड़ा बिजी रहता है। तो जैसे देख पा रहे कि यहाँ पे ऑलरेडी लोडिंग हो गया है, और यहाँ पे उज्ज्वला योजना बेनिफिशियरी लिस्ट हावड़ा वेस्ट बंगाल का पूरा लिस्ट यहाँ पे निकल गया है, और यहाँ पे बहुत सारा पेज है। तो आपको सभी पेज आपको देखना होगा एक एक करके। मैं अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा आपका मोबाइल का ऑप्शन में अभी आपका स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है फाइंड बोल के एक ऑप्शन है फाइंड, तो यहाँ पे आप यहाँ पे जैसे अभी हम कंप्यूटर में दिखा रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैं कुछ नाम लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैं फाइंड कर रहा हूँ तो यहाँ पे फाइंड आ जा रहा है। ठीक इसी तरह अगर आप मोबाइल में आप फाइंड कर लीजिएगा तो आपका किसी भी पेज में आपका नाम रहेगा तो आपका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। मान लीजिए मैं ये वाला नाम मैं फाइंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने फाइंड में डाल दिया हूँ, तो जब भी मैं फाइंड करूँगा तो एक ही नाम वहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे नाम शो हो जाएगा। और ठीक इसी तरह से आप अपना नाम को ढूंढ सकते हैं बहुत जल्द, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पेज है, 4735 पेज है, आपको एक एक करके सभी पेज को देखना है तभी पता कर सकते हैं आप कैसे आप इसको जानिएगा। अरे यहाँ पे ये शो हो रहा है 47,347, इतना नाम है, बट आपको एक एक करके ढूंढना पड़ेगा सभी नाम। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे बेटर होगा कि आप अपना यहाँ पे नाम को फाइंड कर लीजिए, ठीक है, और उस हिसाब से आप एक एक करके सर्च करते जाइए और आपका नाम यहाँ पे दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा है जरूर उनको कमेंट करके बताइएगा। चैनल में अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं इस तरह का टेक वीडियो डेली आप लोग लाता हूँ जो आपका काम पे आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई एम अ ट्रेडिंग वीडियो।